हेलो बच्चों, आप लोगों को मैंने जो डेटरमेंट्स के कराए थे लास्ट, सबसे पहले मैंने आपको डेटरमेंट्स सॉल्व करना बताया था, ऑर्डर टू या ऑर्डर थ्री। तो उसमें आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि सिर्फ वर्कशीट में दे रहा हूँ उससे ही नहीं बनेगा, आपको साथ साथ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर मैंने आप लोगों को उसके बाद डेटरमेंट्स के एरिया कैलकुलेट करना बताया, एरिया के साथ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन करना बताया था। अभी उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, उससे एडजॉइंट कैसे फाइंड करना, उससे इन्वर्स कैसे फाइंड करना। इन्वर्स एक ऑल्टरनेट तरीका है, एलिमेंट्री रो मैथड का ऑल्टरनेट तरीका। कभी एग्जाम में नहीं आए तो आप ये अप्लाई करोगे तो भी आपका इन्वर्स कैलकुलेट हो जाए। लेकिन अब जो सबसे खास क्वेश्चन है जो कि हमेशा 4 मार्क्स में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमेंट का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी डेटरमेंट को जब सॉल्व कर रहे हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है। यानी आप डायरेक्ट कुछ चीज़ें आपको दिए हुए होंगे, उसको देख के डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने के डेटरमेंट को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर डेटरमेंट क्या होता है, एक रियल वैल्यू होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो सारे जीरो है या कोई भी एक कॉलम पूरा जीरो है तो उस डेटरमेंट की वैल्यू हमेशा ही जीरो है। ये दिमाग में सेटअप कर लेना। यानी जीरो कब आएगी, जब आपका कोई भी एक रो जीरो हुआ, कोई भी एक कॉलम जीरो हुआ, अगर पूरे डायगनल भी जीरो है तो पूरा आंसर जीरो आएगा। क्लियर हो गया। पहला रो जीरो हो, कोई भी एक रो जीरो पूरा, मतलब जीरो सारे रो के मेंबर जीरो है, कॉलम के मेंबर जीरो। सेकंड, कभी भी आप देख रहे हो कि डेटरमेंट आप निकाल रहे हो, अगर डेटरमेंट हम निकाल रहे हैं और उसका ट्रांसपोज करके निकाल रहे हैं डेटरमेंट के वैल्यू, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल है, पहली प्रॉपर्टी मैंने ये लिया 0 0 0, 1 2 3 -1 3 4। अगर मैं इसका डेटरमेंट फाइंड करता हूँ तो देखो 0 दिया, 0 से अगर मैं इसको इंटू करूँ तो 0 ही हो जाए, कुछ भी है, फिर 0, फिर कुछ भी 0, तो ये पूरा आंसर 0 आने वाला है। इसका मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। सेकेंड, अगर मान लो डेटरमेंट में आपके दिए 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 दिया, तो फर्स्ट रो और सेकेंड थर्ड रो देखो आइडेंटिकल है, एक जैसी है, 1 2 3 1 2 3, यानी आइडेंटिकल होने से भी इसका आंसर सीधा 0 आ जाएगा। यानी फर्स्ट रो, कोई भी दो रो एक जैसी है, कोई भी दो कॉलम एक जैसे हैं, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डेटरमेंट की वैल्यू को 0 लिख सकते हो। कोई भी दो कॉलम भी, जैसे ये देखो 4 3 7 4 3 7 1 2 5, तो देखो ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड आपका आइडेंटिकल है, तो इसका आप सीधा आंसर 0 लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। चेक करना, चेक कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। लो चेक कर लेते हैं, डेटरमेंट लिया, इसको ओपन किया, 4 3 5 15 -4 1 आ गया, फिर -4 लिखा, 15 -14 1 आ गया, फिर आपने 1 लिखा, 21 -21 0, 4 -4 0, पूरा आंसर 0 आ गया। यानी इसमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने का, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो पूरा आंसर 0 हो जाता बिना सॉल्व किए। क्लियर हो गया अपनों को। जैसे कोई भी डेटरमेंट आपको दिया है, थर्ड प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6, अब देखो अगर मैं ये देखो, ये दोनों रो को अगर देखोगे बिना सॉल्व किए, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी R1 और R2 का जो रेशियो है 1:2 आ रहा है। यानी जो R1 है, R2 है, वो R1 का डबल है। तो देखो अगर रेशो भी इक्वल है तो आप डायरेक्ट 0 डाल सकते हो। समझ में आ गया। यानी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का रेशो
सेम है, यानी वो प्रोपोर्शनल है तो पूरा आंसर आप जीरो लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का ही कंसेप्ट है, यानी इसमें से टू कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 4, 5, 6, ये आइडेंटिकल होगा पूरा जो जीरो हो गया तो 2 × 0 पूरा जीरो हो गया। यानी कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, कोई दो रो आइडेंटिकल ना होकर वो रेशो सेम आ रहा, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो भी आप उसको सीधा जीरो लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसी में अगर ये आपका एक मैट्रिक्स दिया है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दूं रियल वैल्यू, देखो क्या आंसर आता है, -8, -3, 0, +5, 4, -8, 20, 12 आंसर। हाँ, अब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, ट्रांसपोज आप लोगों को पता है, वो कॉलम को चेंज करना, 1, 3, 5 मैंने यहाँ लिया, 4, 6, 8 को यहाँ लिखा, 0, 1, 0 को लिखा। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालो ट्रांसपोज करने के, देखिए आंसर क्या है, -8, -4, -5, 0 में तो 0 ये आ गया, तो भी देखो 12 आ रहा है। यानी कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपने गलती से ट्रांसपोज निकाल लिया है उसके बाद भी आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो भी आंसर आपका जो मेन डिटरमिनेंट है उसके आंसर से ही वो मैच करेगा। ठीक है, आपको 3-4 प्रॉपर्टी समझ में आई, 5वीं प्रॉपर्टी, पहली तो समझ में आ गई कि कोई भी एक जीरो है तो पूरा जीरो, फिर दूसरा आप लोगों को समझ में आ गया कोई दो रो आइडेंटिकल है तो जीरो, प्रोपोर्शनल है तो जीरो, तीसरा अगर रो कॉलम को इंटरचेंज किया तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा अगर ये आपका है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल के मेंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3 लिखा, बाकी सब जीरोस हैं और आपको इसका आंसर डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे सिर्फ डायगोनल के मेंबर को मल्टीप्लाई करो तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 × 2 × 3, तो ये 6 इसका आंसर है। डायगनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, डायगनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगनल के मेंबर होते हैं बाकी सब जीरो होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगनल के मेंबर सेम होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगनल के सारे मेंबर 1 हो, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, अगर डायगनल के 1 हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम मेंबर हो तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर कोई और नंबर है वो बाकी सब जीरो है देन इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना तो सीधा आप डायगोनल के मेंबर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब है प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई भी मैट्रिक्स हो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसे ये लिखो 0, 0, 0, -4, 4, 3, -3, -7, 7, ये आपको पता है ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक, वो चेक कर लेते हैं ट्रांसपोज करके, हमने देखा 0, 4, -3, -4, 0, 7, 3, -0, -1 × 2 किया, तो वही मैट्रिक्स नहीं स्क्यू सिमेट्रिक है, क्लियर है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है, कैसे देखो, अगर मैंने ये पता चल गया कि स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया आपने, तो अभी हमने पढ़ा था ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस यहाँ के प्लस हो गया, 2 ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, तो डिटरमिनेंट आपका 0 है। यानी इसमें क्लियर है कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ रीजन आपको डालना पड़ेगा, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देयरफॉर इट्स डिटरमिनेंट इज 0। समझ आ गया आपको ये प्रॉपर्टी? नेक्स्ट।
जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स एक दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर आप इसमें रो 1 को रो 2 में चेंज कर रहे हैं, मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको आगे माइनस साइन लगाना जरूरी है डेटरमिनेंट में, यानी 1, 2, 3 वैल्यू फाइंड कर माइनस, यानी आपने क्या किया रो 1 को रो 2 से चेंज किया, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, दोबारा आप चेंज करना चाहते हैं रो 2 को रो 3 से, तो फिर से आप माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन ये पहले से माइनस प्लस, तो ये 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। यानी जितने बार आप रो को रो से चेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम से चेंज करेंगे, तो भी आपको साइन बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो कॉलम 1 को कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं, 3, 6, 9 आगे माइनस साइन डाल के 2, 5, 8, 1, 4, 7 ये माइनस साइन कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो वैसे ही आप रॉन्ग आंसर आपको मिलेगा। तो ये है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से आगे नेगेटिव साइन कंपलसरी रखना पड़ता है। फिर आपने डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी मैंने माइनस में भी बताया था, अगर डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है तो आपको कैसे फाइंड करना है, किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करके उसके कोफैक्टर से इंटू करना। जैसे हमने सपोज सेकंड रो सिलेक्ट किया 2, 1, तो उसके कोफैक्टर से इंटू, 8, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 2, 3, 8, 2, 3, तो आपको डिटरमिनेंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी और रो के मेंबर को किसी और के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट हमेशा हमेशा आपको जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है, अगर डिटरमिनेंट में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कॉमन निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ कॉमन तो एक ही बार निकालते हैं, मैट्रिक्स में जब 3 से इंटू कर रहे हैं, अंदर 3 कर तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसको जैसे ये फर्स्ट 1, 2, 3 है तो 2, 3 से इंटू 3, 6, 9, 4, 5, 6, 7, 8 तो मैट डिटरमिनेंट हुआ ये कि आप किसी एक से कह रहे हैं, दूसरी बार भी करना है तो दोबारा से आपको 3 से डिवाइड, 3 से मैं किसी भी रो को आप कर सकते हैं, जैसे 12, 15, 18, एक और बार करना है इंटू 3 और तो डिवाइड बाय 3, 21, 24, 27। आपको जितने बार इंटू करना है, जितने बार भी डिवाइड करना है, उतने बार आपको बाहर भी लेना पड़ेगा, यानी एक बार एक से मल्टीप्लाई, दूसरी बार दूसरे से मल्टीप्लाई। अब जैसे आपको इसका प्रॉपर्टी रो वन प्लस रो टू, इसका मतलब रो वन में रो टू के मेंबर को ऐड कर देना, कॉलम टू माइनस टू टाइम ऑफ कॉलम वन, यानी कॉलम टू में से डबल ऑफ द कॉलम वन को माइनस कर देना, ये मतलब। ठीक, हाँ, इसमें एक और है खास प्रॉपर्टी ये, जैसे कि मान लो डिटरमिनेंट में ये दिया है एक्स प्लस 4, 3, 5, y plus 7, 8, 9, 3 plus z plus 8, 6, 2, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो दो डिटरमिनेंट के अंदर, जैसे आपने लिखा x, y, z, 3, 8, 6, 5, 9, 2 प्लस, फिर आप दोबारा ये लिखेंगे 4, 7, 8, 3, 8, 6, 5, 9, 2, ये हुआ। यानी आपने फर्स्ट कॉलम को ब्रेक कर दिया, बाकी आपके कॉलम वैसे ही रहेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉलम को आप ब्रेक करके ये निकाल सकते हैं। यानी आपको दूसरी बार करना है ब्रेक, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में, जैसे सपोज इसको आप फिर ब्रेक करना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक, तो आगे वाले फिर चेंज नहीं होंगे। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो हमें अप्लाई करना है, और इसके एप्लीकेशन से आपका डिटरमिनेंट करने का जो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। अब इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इसका क्लियरिटी है। फिर से पहले पूरी प्रॉपर्टीज बता दें। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, कोई भी कॉलम अगर जीरो है, कोई भी रो जीरो है, सारे मेंबर्स जीरो, तो पूरा डिटरमिनेंट जीरो। सेकंड आपने पढ़ा था कि कोई भी दो रो आइडेंटिकल या है,
तो ये कॉलम आइडेंटिकल है तो पूरा आंसर जीरो। तीसरे में पढ़ा था कि डेटरमेंट ये प्रोपोर्शनल भी हैं, कोई भी दो रो या कॉलम तो भी आंसर जीरो। फिर पढ़ा था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आगे नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। फिर आप एक समय पर एक ही को करेंगे। फिर आपने पढ़ा था कि अगर आप कि उसका डेटरमेंट उसके ट्रांसपोज का डेटरमेंट निकालें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फाइनल आंसर हमेशा ही जीरो आएगा। फिर आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नहीं मतलब डायगनल मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है सिर्फ डायगनल के मेंबर को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। फिर आपने ये सीखा था कि अगर आपको जैसे कॉलम में आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो उतना ही आप डिवाइड करेंगे तो एक ही कोई कॉलम या कोई भी एक रो मल्टीप्लाई हो, दूसरे बार अंदर तो दूसरे बार डिवाइड करो उतना ही आपको फिर मल्टीप्लाई, अगर अंदर डिवाइड करो तो बाहर मल्टीप्लाई, लेकिन एक टाइम पर एक ही करना पड़ेगा और किसी भी रो या कॉलम को आप तोड़ सकते हो। और फिर रूल्स जो आपने एलिमेंट्री में डाले तो वही रूल्स हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है कि रो कॉलम को हम एक साथ यूज़ करते हैं। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम जीरो कैसे लाएं और जिस रो में ज़्यादा जीरो आ जाएंगे तो उसका आंसर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि फिर आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यानी कोई भी डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमसे हमें सारी प्रॉपर्टी समझ लें। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर आइडिया होगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज का वैल्यू फाइंड करना, तो अभी हमने देखा कि कोई प्रोपोर्शनल है तो हमने यहाँ यूज किया रो वन, रो वन प्लस रो टू, रो वन में रो वन और टू को ऐड कर दे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या जेड या एक्स या वाई, वन वन वन। अब देखो जो रो वन है और रो थ्री है वो आपका कॉन्स्टेंट रेशो सेम आ रहा है, सब में रेशो आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसलिए इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा जीरो, क्योंकि रो वन और रो थर्ड प्रोपोर्शनल है, रेशो एक जैसा आ रहा है। या आप इसको बाहर कॉमन निकाल देंगे तो ये वन वन वन, यानी इसको यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर दें तो वन 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 आएगा, तो एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? देख लो सेकंड। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो आपने क्या किया, कॉलम वन में ये एरो मारे, कॉलम वन में आपने कॉलम टू को, यानी ये बता रहे कॉलम वन में चेंज करना, कैसे? कॉलम वन में कॉलम टू को ऐड कर दो, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखो आप देख रहे हो कि आपका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल हो गया, यानी रेशियो सेम आ रहा है, दोनों में वन इज टू वन का रेशियो आ रहा है, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। दैट इज, समझ आया आप लोग? चलो और
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ रूल डाला कि रो वन में चेंज करते हैं, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, देखिए क्या आंसर आता है। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये जीरो हो गया, तीनों को ऐड किए हैं जीरो जीरो, बी माइनस सी, फिर यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो देखो एक पूरा रो जीरो है तो पूरा आंसर आपका जीरो आ गया। चेक करो आप ऐड करो, मतलब रो वन में रो सेकंड और रो थर्ड के भी मेंबर ऐड कर दो रो वन के साथ और देखो उसका वैल्यू कितना है। समझ आया आप लोगों को? और देखो टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एटी सिक्स, अब यहां देखो आपने क्या किया, इसमें माइनस कर दिया, कॉलम वन में, कॉलम टू में, सॉरी थ्री में थ्री माइनस वन किया, यानी इस 65 माइनस टू 63, 72, 86, 81, फिर ये कोई चेंज नहीं है, आपने सिर्फ थर्ड को चेंज किया, रूल्स आपको ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों का रेशियो, सेकंड और थर्ड का रेशियो 7 बाय 63 क्या 1 बाय 9, 8 बाय 72 1 बाय 9, 1 बाय 9, यानी कांस्टेंट रेशियो आ रहा है, तो इसका आंसर जीरो। तो ये है आपका कंसेप्ट कैसे करना है। तो अभी हम इसके ऊपर और एप्लीकेशंस करेंगे, अभी आप इतना कर लो पहले, फिर नेक्स्ट हम इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।